हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 12, न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। आज हम हमारा जो चैप्टर 12 है उसे स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। हम यहाँ दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है हमारी कंट्री का कैपिटल है, यानी इंडिया की कैपिटल सिटी है। ओके, कैपिटल मीन्स राजधानी, जहाँ से इंडिया के जो भी गवर्नमेंट वर्क है वो किए जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी। एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी। जो दिल्ली है, दिल्ली जो है वो क्या कहलाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहलाता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी का मतलब हो गया नेशनल यानी राष्ट्रीय, कैपिटल यानी राजधानी, और टेरिटरी मीन्स क्षेत्र। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाता है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो नई दिल्ली है वो इंडिया का कैपिटल यानी राजधानी है। दिस मेट्रोपॉलिटन सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। दिस मेट्रोपॉलिटन सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। दिस, ये मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब होता है महानगर, जो एक नॉर्मल सिटी से बहुत ही बड़ा होता है। तो इसे क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। जो कहाँ पर लोकेटेड है, जो लोकेटेड है यानी स्थित है ऑन द बैंक, बैंक यानी किनारे पे, ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पर ये लोकेटेड है, स्थित है। तो ये जो महानगर है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। एक बात याद रखिएगा कि मैंने आपको शायद प्रीवियस क्लास में भी आपको ये बात बताई है और अभी भी कह रही हूँ कि इंडिया में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। कितनी हैं? 4, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये 4 महानगर हैं इंडिया में। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये 4 महानगर हैं इंडिया के, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। दिल्ली इज सराउंडेड बाय हरियाणा ऑन ऑल साइड्स एक्सेप्ट द ईस्ट, वेयर इट बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश। दिल्ली इज सराउंडेड बाय हरियाणा। दिल्ली इज सराउंडेड बाय हरियाणा मतलब दिल्ली जो है घिरा हुआ है बाय हरियाणा, हरियाणा से, ऑन ऑल साइड, सभी साइड से, यानी कि चारों तरफ से जो दिल्ली है वो हरियाणा से घिरा हुआ है। एक्सेप्ट द ईस्ट, ईस्ट को छोड़ के, वेयर इट बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश, जहाँ इसकी बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश से मिलती है। अगर हम ईस्ट को छोड़ देते हैं, जहाँ दिल्ली की बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश से मिलती है, वहाँ को छोड़ के बाकी जो चारों साइड, बाकी की जो साइड्स हैं, वहाँ जो है दिल्ली हरियाणा से घिरा हुआ, यानी बाकी साइड्स पर कहाँ की बॉर्डर आती है, हरियाणा की बॉर्डर आती है। ये देखिए यहाँ पे दिल्ली का मैप दिया हुआ है। ये जितना भी पीच कलर का एरिया है, ये सब क्या है, दिल्ली है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ हरियाणा है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ पे भी हरियाणा है, बट ओनली यहाँ पर जो है यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की बॉर्डर आती है। तो दिल्ली जो है सराउंडेड हुई यानी घिरा हुआ है हरियाणा से पूरे में, लेकिन सिर्फ ईस्ट में जो है उत्तर प्रदेश की बॉर्डर आती है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, दिल्ली वॉज फर्स्ट बिल्ट बाय पांडवास किंग। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, दिल्ली वॉज फर्स्ट बिल्ट बाय पांडवास किंग। अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दिल्ली जो है सबसे पहले किसने बनाया था, पांडवास किंग ने। जो पांडव थे, महाभारत टाइम की भी यहाँ बात हो रही है, तो जो पांडव थे पांचों, उन्होंने मिलकर जो है दिल्ली को बसाया था, दिल्ली को बनाया था। और उस टाइम इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का एक नाम जो है वो इंद्रप्रस्थ भी है। और ये क्यों है? क्योंकि जो सबसे पहले जो पांडवास किंग थे, उन्होंने दिल्ली को बसाया था।
और उसे इंद्रप्रस्थ कहा था। तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री दिल्ली वॉज फर्स्ट बिल्ट बाय पांडवास किंग, दिस सिटी वॉज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ, और ये शहर क्या कहलाता था जब, इंद्रप्रस्थ कहलाता था। लेटर बाद में ऑन द मुगल एम्परर शाहजहां रीबिल्ट द सिटी एंड नेम इट शाहजहांबाद। क्या हुआ बाद में जब मुगल एम्परर आ गए, पांडवास का टाइम चला गया, बहुत वक्त गुजर गया, और जब मुगल एम्परर आए तो जो मुगल एम्परर थे शाहजहां, उन्होंने इसे रीबिल्ट किया यानी दोबारा से बसाया, दोबारा से बनाया द सिटी एंड नेम इट शाहजहांबाद, और इस शहर का नाम क्या रखा, शाहजहांबाद रख दिया। जब ये पांडवास के टाइम पर इसको क्या कहते थे, इंद्रप्रस्थ कहते थे, जब इसको पांडवास ने बनवाया था दिल्ली को तब इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, बट जब मुग़ल एम्पायर आया तब मुग़ल एम्पायर के जो बादशाह थे शाहजहां, उन्होंने इसे दोबारा से बनाया और इसका नाम शाहजहांबाद रख दिया। मॉडर्न डे दिल्ली वॉज प्लान्ड बाय सर एडविन ल्यूडियंस, और आज की जो दिल्ली हम देखते हैं, आज हमें जो दिल्ली नज़र आती है, ये प्लान की गई, इसकी प्लानिंग, इसको जो भी आज ये दिखती है, इसको पूरी प्लानिंग किसने करी, सर एडविन ल्यूडियंस ने इसको बनाया है। किसने इसको प्लान किया, सर एडविन ल्यूडियंस ने, जो एक ब्रिटिश थे, कौन थे, ब्रिटिश थे, एक अंग्रेज थे। द ब्रिटिश मेड इट कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911, और ब्रिटिश ने यानी जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इससे इंडिया का कैपिटल बना दिया 1911 में, 1911 में इस जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, इसको इंडिया का कैपिटल बना दिया। तो आप देखिए कि हमारी जो दिल्ली है वो किस तरह से अपने बार बार अपने नाम पलटती चली गई, और आज जो दिल्ली है वो कैसे आई है, कि जब पहली बार दिल्ली को बनाया गया तो इसे इंद्रप्रस्थ कहा, और इसे किसने बनाया था, पांडवाज ने, लेकिन उनका जब टाइम निकल गया और जब मुग़ल एम्पायर आया तो जो मुग़ल एम्पायर के बादशाह थे शाहजहां, उन्होंने इसे फिर से बनाया और इसका नाम क्या रख दिया, शाहजहांबाद रख दिया। लेकिन जब अंग्रेज़ हमारी कंट्री में आ गए, ब्रिटिश आ गए हमारी कंट्री में, तब उन्होंने इसको फिर से प्लान किया, और इसे किसने प्लान किया था, सर एडविन ल्यूडियंस ने इसको प्लान किया, और फिर इसको दिल्ली को क्या किया, इंडिया का कैपिटल बना दिया, क्या कर दिया, इंडिया का कैपिटल बना दिया 1911 में। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ शाहजहां की पिक्चर दी गई है, ये मुग़ल एम्परर थे यानी मुग़ल एम्पायर के बादशाह थे, जिनका बर्थ हुआ था 1592 में, और इनकी डेथ कब हुई थी, 1666 में। इन्होंने क्या बसाया था, शाहजहांबाद यानी दिल्ली को फिर से बसाया था, जिसका नाम शाहजहांबाद रखा था। और आज हम जिस दिल्ली को देखते हैं उसे बसाने वाले कौन थे, ये सर एडविन ल्यूडियंस, जो कब, जिनके बर्थ हुआ था 1869 में, और इनकी डेथ हुई थी 1944 में। ओके, तो इन्होंने ही जो आज की जो दिल्ली है उसका प्लान तैयार किया था। द मेन ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है ये, कि जो मेन ऑफिसेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सब कहाँ हैं, दिल्ली में ही हैं। द मेन ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, वो सब न्यू दिल्ली में हैं। एंड प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर्स है यानी प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के, उनका ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, अदर यूनियन मिनिस्टर्स यानी जितने भी केंद्र मंत्री हैं उनके ऑफिस, सीनियर ऑफिसर्स के ऑफिस जो हैं वो कहाँ हैं, सब नई दिल्ली में ही लोकेटेड हैं। तो द मेन ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन दिल्ली, ये सभी कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। द एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो लिव
इन न्यू दिल्ली और द एम्बेसडर्स. एम्बेसडर्स कौन होते हैं? राजदूत. एम्बेसडर्स कौन होते हैं? राजदूत होते हैं जो एम्बेसडर्स होते हैं और हाई कमिश्नर होते हैं ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज के, और मतलब कंट्रीज यहाँ पे दूसरे देशों की हम बात कर रहे हैं, तो जो दूसरे देशों के जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, वो भी दिल्ली में रहते हैं और यहाँ पर काम करते हैं. ओके, सो ये हो गया हमारा दिल्ली का इंट्रोडक्शन. आज की क्लास में बस इतना ही. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ अ न्यू टॉपिक. टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय.